हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि पीसीबी बोर्ड क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। उसमें का फर्स्ट वाला प्रकार सिंगल लेयर पीसीबी बोर्ड क्या होता है वाला हो गया था, और आज हम लोग उसके आगे के बारे में जानेंगे कि और कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वाला है दोस्तों डबल लेयर पीसीबी बोर्ड। डबल लेयर पीसीबी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के पीसीबी में कंडक्टिंग मटेरियल की एक पतली लेयर जैसे तांबे को बोर्ड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाया जाता है। पीसीबी में बोर्ड की अलग अलग लेयर के माध्यम से मिलकर बनता है, जिसमें अलग अलग परतों पर संबंधित स्थिति में दो पैड होते हैं या इलेक्ट्रिकली माध्यम से एक छेद से जुड़े होते हैं। यह अधिक लचीला, अपेक्षाकृत कम लागत और पीसीबी बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसका छोटा आकार है, जो सर्किट को कॉम्पैक्ट बनाता है। इस प्रकार के पीसीबी का उपयोग ज़्यादातर औद्योगिक नियंत्रण, कन्वर्टर, यूपीएस सिस्टम, हाई वोल्टेज उपकरण, फोन, एम्पलीफायर और पावर मॉनिटरिंग सिस्टम में किया जाता है। इस पीसीबी का उपयोग कम लागत में कैलकुलेटर, रेडियो, प्रिंटर और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे बल्क मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। थर्ड वाला है दोस्तों मल्टी लेयर पीसीबी बोर्ड। इस पीसीबी में दो से अधिक लेयर होते हैं। इस प्रकार के पीसीबी में तांबे की कम से कम तीन कंडक्टिंग लेयर होती है। बोर्ड को सुरक्षित करने के लिए गोंद को इंसुलेशन की लेयर के बीच सैंडविच या जोड़ दिया जाता है, जो यह बताता है कि एक्स्ट्रा गर्मी सर्किट के किसी भी कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार के पीसीबी का उपयोग जीपीएस तकनीक, उपग्रह, चिकित्सा के उपकरणों में, फाइल सर्वर और डेटा स्टोरेज जैसे बड़े एप्लीकेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ वाला फ्लेक्सिबल पीसीबी बोर्ड। दोस्तों इसे हम फ्लेक्स सर्किट के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार के पीसीबी में पॉलीमाइड पीक या ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग पॉलिएस्टर फिल्म जैसी लचीली प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है। सर्किट बोर्ड आमतौर पर दिखने में फोल्ड या ट्विस्टेड होते हैं। इसमें सिंगल साइडेड फ्लेक्स सर्किट, डबल साइडेड फ्लेक्स सर्किट और मल्टी साइड फ्लेक्स सर्किट जैसे अलग अलग लेयर होते हैं। फ्लेक्स सर्किट का इस्तेमाल ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, एलसीडी फैब्रिकेशन, फ्लेक्स सोलर सेल, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज, सेल्युलर टेलीफोन, कैमरा और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे लैपटॉप में किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट वाला रिजिड पीसीबी बोर्ड। यह सॉलिड मटेरियल से बना होता है, जो पीसीबी को ट्विस्ट या मुड़ने से रोकता है। रिजिड पीसीबी में सिंगल लेयर, डबल लेयर और मल्टी लेयर पीसीबी जैसे अलग अलग लेयर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद इस पीसीबी का आकार नहीं बदलता है। इस प्रकार के पीसीबी का जीवन काल बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग कंप्यूटर के कई हिस्सों में जैसे रैम, जीपीयू और सीपीयू में किया जाता है। यह दिखने में सरल और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मल्टी लेयर पीसीबी 9 से 10 लेयर वाले अधिक कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए
आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों। और आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम उस टॉपिक में वीडियो बनाएं और आपकी मदद कर सकें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।